बावली को भारत में कई नामों से जाना जाता है और कहीं उसको वाव कहा जाता है कहीं पुष्करनी कश्मीर में जो बाउलियाँ होती हैं वो बाउलियाँ नहीं है वहाँ पे नाग ऐसे अनंत नाग है वेरी नाग है ये जो है बावली इसका। वो क्या है बात करूँ तो शुरुआत कहाँ से हुई तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा जब ह्यूमन माइग्रेशन शुरू हुई सिंधु घाटी में हमें ऐसे कई सबूत मिले भी हैं कि जो शुरुआती जो स्टेज वन फेज वन फेज टू के जो शहर थे तो टेराकोटा रिंग वेल्स हमें इंडस वैली की मिलती हैं अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड्स पढ़ोगे ना उन्होंने बहुत जगह बावलियों को डाइविंग वेल के नाम से लिखा है कि ऐसा कुआं जिसमें कूदा जा सकता है निजामुद्दीन बावली से लेके और की हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे उनमें कूद रहे हैं अंग्रेजों ने खींची ही हुई है और निजामुद्दीन बावली में तो खासकर जो अंग्रेज टूरिस्ट आते थे वो एक एक सिक्का देते थे वहाँ के लोकल बच्चों को कूद के दिखाओ काफी हाइट से कूद रहा इट वॉज एन अम्यूजमेंट फॉर देम अगर आप पुराने अंग्रेज रिकॉर्ड्स देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि भारत की जो उनकी पोस्टिंग होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उसको पनिशमेंट पोस्टिंग या डेथ पोस्टिंग भी कहा जाता था तो जब उन उनके हाथ में थोड़ा कंट्रोल आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिल्ली में पाइपलाइन बिछाएंगे ये ये पॉइंट है जहाँ से बाउलियों का डिक्लाइन शुरू होता है उसके लिए उन्होंने दिल्ली जहाँ से शुरू होती है उस समय की दिल्ली है शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली जैसे आप जानते हैं जी। इस पर एक डिबेट हुई थी लंदन पार्लियामेंट में तो आज भी चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट एग्जिस्ट करता है नॉर्थ दिल्ली के अंदर जी वहां पर उस इलाके में वो ओरिजिनल प्लांट लगाया गया था पाइपलाइन बिछाई गई थी पूरी दिल्ली में पानी सप्लाई किया गया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली से बहुत दूर जो जगह डिसाइड की जहां पर वो सारा दिल्ली का सीवेज और गंदा पानी आ रहा था उस जगह को हम कहते हैं कालिंदी कुंज दिल्ली के लोगों को आदत नहीं थी वो पानी पीने की जिसमें पता नहीं याद वो क्लोरीन मिला रहे थे कैसे उसको प्योरीफाई कर रहे थे तो दिल्ली के लोगों का पेट ख़राब हो गया हैज़े की बीमारी जो अंग्रेज़ों को हो रही थी अब दिल्ली के दिल्ली वासियों को होने लग गई एक शेर कहा गया था तो शेर यूँ था कि पानी पीना पड़ा है पाइप का हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का पेट दुखता है आंख आई है शाह एडवर्ड की दुहाई है और मैंने कहानी सुनी थी कि उसी दौरान जो दिल्ली के मशहूर हकीम जी हैं हकीम साहब ने एक नुस्खा निकाला था कि ये पुड़िया आप दही में या किसी चीज़ में घोल कर ले लीजिए तो ये जो बीमारी पानी से हो रही है ठीक हो जाएगी उसे हम दिल्ली का चाट मसाला कहते हैं दैट्स हाउ दिल्ली की चाट वॉज इन्वेंटेड नमस्कार जागरण मंथन में आप सभी का बहुत स्वागत है मैं हूँ स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनसे एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे इस जो पूरी सीरीज मंथन की रही है उस पर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है उस पर बात होगी ये एक हेरिटेज एक्टिविस्ट हैं एजुकेशनिस्ट हैं ऑथर हैं और हेरिटेज को लेकर के इनका ऐसा इंथूजियाजम या सॉफ्ट कॉर्नर है जो कि बहुत कंटेजियस है आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं विक्रमजीत सिंह रूपराय से विक्रमजीत आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद विक्रमजीत आपकी एक बहुत ही अच्छी सी एक किताब जो कि बड़ी वेल रिसर्च है बाउलीज़ के ऊपर वो अभी कुछ साल पहले प्रकाशित हुई है पब्लिश हुई है ऐसे में जो हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट जो आज का हमारा विषय रहता है शुरुआती वो बाउलीज़ पर बात करते हैं मैं जानना चाहूँगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है बाउलीज़ का वो क्या है कैसे इनकी एग्जिस्टेंस हुई क्यों बनाया गया इनको किसने बनाया बाउली बाउली को भारत में कई नामों से जाना जाता है और जैसे जैसे नाम बदलते हैं उसका स्ट्रक्चर उसका आर्किटेक्चर और वो कैसे कम्युनिटी uh, के साथ ट्रीटमेंट है उसका वो सब कुछ बदलता चला जाता है जहाँ कहीं उसको वाव कहा जाता है कहीं पुष्करनी कहीं कुछ कहीं कुछ कश्मीर में जो बाउलियाँ होती हैं वो बाउलियाँ नहीं हैं वहाँ पर नाग अनंतनाग है, है वेरी नाग है तो झरने को ही एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है स्टेप्स बना दिए जाते हैं तो वो पानी पीछे से चला आ रहा है वही आगे बढ़ जा रहा है जहाँ से झेलम शुरू होती है वहां मेरी नाक बना हुआ तो इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इसकी अगर मैं ये बात करूँ शुरुआत कहाँ से हुई तो आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा जब ह्यूमन माइग्रेशन शुरू हुई जब लोग इंसान जो है वो खड़ा होकर चलना शुरू हुआ वो अलग अलग दिशाओं में बढ़ा तो लाखों करोड़ों साल पहले पानी के बिना रहना मुश्किल था तो शुरुआती दौर में वो सिर्फ़ नदी के किनारे चला बस्तियाँ बननी शुरू हो गई करते करते हम सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुँच जाते हैं तब भी नदी के किनारे बस्तियाँ बनाई अब नदी के किनारे घर बनाने या बस्ती बनाने या शहर बनाने की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपको पानी तो चाहिए तो आप उतरकर घाट तक जाएं वहाँ से पानी भरें अगर आपका शहर आपका गांव घाट के बहुत पास है तो घाट से कभी भी बाढ़ आ सकती है और आपका पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा और सिंधु घाटी में हमें ऐसे कई सबूत मिले भी हैं कि जो शुरुआती जो स्टेज वन स्टे, फेज़ वन फेज़ टू के जो शहर थे वो पानी से बाढ़ से डूबे हैं लोथल एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है उसका जब वो डूब जाते थे तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ा दूर बना ली जब दूर बनाते थे तो बाढ़ तो चार पाँच साल में एक बार आनी है और चार साल इतना चल के जाना पड़ता था पानी लेने के लिए और पूरे पूरे शहर को तो काफ़ी परेशानी होती थी ये सब शुरुआती दौर में भी चल ही रहा था कि उन्होंने किसी ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा खोद के देखते हैं कि कहाँ तक हम खोद सकते हैं ऐसा मेरा मानना है कि वो जो शुरुआती जिज्ञासा थी वो जो क्यूरियोसिटी थी शायद वहाँ से शुरुआत हुई हो तो जब वो खड्डा खोदने लगे करते करते उनको पानी मिल गया अंदर रियलाइज करे पानी तो यहाँ से भी मिल सकता है वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है चलिए पानी के लिए बड़े बड़े खड्डे खोदे अब परेशानी यह हुई कि जब वो खड्डा खोदने लगते थे तो जैसे ही थोड़ा नीचे जाते थे जमीन तो गीली है जमीन में नमी है क्लेप्स कर जाती थी वो सारी बीच में धस जाती थी तो लोग अंदर मरना शुरू हो गए अच्छा। तो फिर उन्होंने एक और दिमाग लगाया उन्होंने जमीन के ऊपर एक रिंग रखा लकड़ी का या टेराकोटा का उसके बीच में खड्डा खोदा और उसको नीचे पुश कर दिया अच्छा फिर वो और नीचे गए और खड्डा खोदा उसको और आगे नीचे पुश कर दिया ऊपर एक और रिंग डाल दिया या और कई रिंग डाल दिए जिससे क्या हुआ जो पूरी की पूरी दीवार है उसके अंदर जो ईंटों का या कंक्रीट का या लकड़ी का एक कुआँ ज़मीन पे बनता जा रहा है और वो नीचे आप धकेलते चले जा रहे हैं इससे दीवार अंदर को केव इन नहीं करेगी कोलैप्स नहीं करेगी नहीं। तो टेराकोटा रिंग वेल्स हमें इंडस वैली की मिलती हैं और आज भी अब तो खैर कुएं बनने ही बंद हो गए बट अगर अभी भी बनाया जाता है तो टेक्निक वही पुरानी यूज़ होती है जब कुछ समय पहले तक बन भी रहे थे तो ऊपर ही बनाए जाते थे और नीचे धकेले जाते थे अब नीचे से जब पानी निकल आया तो उस पानी का इस्तेमाल शुरू हो गया जहाँ शहर बड़े हुए गाँव बड़े हुए तो फिर परेशानी हुई कि एक जगह 200 परिवार रहते हैं अब ये 200 परिवार से औरतें जाएंगी कम से कम नहीं तो साठ सत्तर औरतें सुबह सुबह लाइन लगा के खड़ी हो जाती थी साठ लोगों को पानी निकालना है उसी से कपड़े भी धोने हैं बर्तन भी धोने हैं पीने के लिए खाने के लिए नहाने के लिए कितना पानी चाहिए एक औरत कितना ही पानी उठा कर ले आएगी तो उन्होंने एक आ, और एक बार में चार या पाँच लोग खड़े हो सकते हैं तो सत्तर लोगों को वेट करनी पड़ रही है पीछे तो उन्होंने एक तरीका निकाला क्यों ना सीढ़ियाँ बना दें पानी तक खुद ही चले जाते हैं तो फिर उन्होंने एक बार में ज्यादा ज्यादा लोग लोग बड़ा टैंक बना लेते हैं लोग नीचे उतर पाएंगे तो उन्होंने ये तरतीब निकाली और सब जो पूरा का पूरा टैंक बना के नीचे जब पहुंचे तो नीचे से उन्होंने पानी का इस्तेमाल शुरू कर दिया अब यहाँ पर क्या होता है कि उन्होंने कहा ये पानी भर के बाहर को क्यों लेके जाना कपड़े धोने और नहाने का काम यहीं कर लेते हैं पीने के लिए और खाना बनाने के लिए ले जाएंगे लेकिन अगर वो करते हैं ये भी शायद उन्हें कुछ समय में समझ आया होगा कि जब वो कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता था जैसे साबुन जिस आज की तारीख में जैसे साबुन कहते हैं तो जिस साबुन का वो इस्तेमाल करते थे वो साबुन से कपड़े धो लिए तो वो पानी के ऊपर एक छोटी सी चिकनाई की लेयर छोड़ जाता था जब वो बाल धोते थे तो आंवला शिकाकाई रीठा ये सब इस्तेमाल करते थे वो भी चिकनाई की लेयर छोड़ जाता था अब वो आंवला शिकाकाई वो उसमें कपड़े नहीं धोए जा रहे वहीं से पानी आप पी नहीं पा रहे हैं इस तरह की कई परेशानियां सामने आई तो उसके उन्होंने कई तरह के हल निकाले जिसमें से एक हल तो ये था कि जिस दिन बाल धो रहे हैं कुछ एक दिन रख ले कि इसे इस दिन बाल मत धोइया आज भी लोग मानते हैं कि मंगलवार को या वीरवार को कोई दिन उन्होंने रखे हुए हैं कि इस इस दिन सिर नहीं धोया जाता इस इस दिन कपड़े नहीं धोए जाते तो वो शायद वहीं से वो ट्रेडिशन स्टार्ट हो गए एक और ट्रेडिशन जो अभी भी चलता है भारत में करीब करीब हर इलाके में मुझे खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करने का मौका मिला दोपहर के वक्त सिर्फ लेडीज़ जाती हैं पानी के पास और सुबह और शाम के वक्त जेंट्स जाते हैं तो लेडीज़ कंफर्टेबली अपना वहाँ पे नहाने धोने का काम कपड़े का सारा वो कर सके जो पीने का पानी है उसके लिए साइड में अलग कुआं बना होता है कुआं और टैंक को कई बार बावली का जो पूरा स्ट्रक्चर है कई बाउलियाँ हैं जिसमें जो बावली है जब आप नीचे जाते हैं वही ज़मीन के अंदर के पानी से कनेक्टेड है और कई बावलियाँ सिर्फ टैंक है कुआँ साथ में अलग से बनाया जाता है जैसे दिल्ली की ज़्यादातर बावलियाँ कुआ अलग है <laughs> तो कुएं से पानी पीने के लिए लिया जाता है और जो टैंक है उससे पानी कपड़े धोने के लिए और नहाने के, और बाकी कामों के इस्तेमाल किया जाता है मार्वल जो है उसके बारे में समझा दिया बाउलीज के लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहूंगी विक्रमजीत कि साफ सफाई इन बाउलीज की कैसे होती थी देखिए स्लज जमा होता है वो जो चिकनाई है वो नीचे बैठती है गंदगी आती है धूल भी उड़ के आती है रेत जमा हो जाती है तो ऐसे में क्या किया जाता था कि एक फिक्स टाइम के बाद कहीं वो वक्त छः महीने का हो सकता है कहीं साल का हो सकता है तो नीचे से पूरा उसको डिसल्टिंग की जाती थी उसको क्लीन किया जाता था और ये अभी भी होता है तालाबों की सफाई होती है कुएं की सफ़ाई होती है अंदर उतरा जाता है बाल्टियाँ भर भर के पूरा कचरा बाहर फेंका जाता है

उनको कुछ आता ही नहीं था नहीं उन्हें सब कुछ आता था और उन्होंने जो चीज़ें समझी सीखी हम हम उन्हीं को तो आज फॉलो कर रहे हैं हम कैसे खाना खाते हैं हम कैसे कपड़े पहनते हैं हम एक एक चीज उन्हीं की बताई हुई फॉलो कर रहे हैं जिस दौर की अभी हम बात कर रहे हैं और अगर आप एक प्रॉपर टाइमलाइन पे एक पेपर पे एक लाइन ड्रॉ करिए लिखिए और उस पर लिखना शुरू करिए कि कैसे कब कब क्या क्या हुआ तो आप देखेंगे कि आज हमारी आपकी उम्र जो तीस चालीस पचास साल के ब्रैकेट के अंदर घूम रही है हमारा एक्सपीरियंस वही तीस चालीस पचास साल का है और हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पाँच हज़ार साल पहले हुई है उस समय उनको वो बात समझने में दो हज़ार साल लगे या पाँच सौ साल लगे हमने जो चीज़ एक हफ्ते में सीख ली थी कितनी स्पीड से चीज़ें समझ में आ रही है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ा है हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आज की डेट में है कंप्यूटर से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक ये उस समय नहीं थी पर बाकी और बहुत कुछ था जो आज शायद वैलिड ना हो एप्लीकेबल ना हो या उसकी अब जरूरत ना हो पर उस समय वो अपने वक्त से कहीं आगे थे जैसे आज की तारीख में हम बहुत सारे मुल्कों को बोलते हैं कि वो अपने वक्त से भी आगे चल रहे हैं बहुत सारे लोग आगे चल रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हो गई मेसोपोटामिया हो गया इजिप्ट हो गया ये अपने वक्त से आगे ही चल रहे थे तो हाँ उन्हें ना सिर्फ इन चीज़ों का पता था बल्कि हमें अगर इन चीज़ों का पता है तो उनकी वजह से पता है आपने खैर मेरे दिमाग में यह था कि क्या डिफरेंस होगा एक कुएं में एक टैंक में और बाउली में ये तो आपने मुझे पहले सवाल में समझा दिया लेकिन अगर और डिटेल से समझना चाहूं तो एक कुएं so, में टैंक हाँ, में और बाउली में देखिए कुआ है, है तो पानी को ऐसे समझिए पानी जमीन के नीचे है हम इसे अंग्रेजी में कन्फाइंड एक्वेफर बोलते हैं इसके अलावा ये जो जिसे हम कहते हैं जमीन का जो वाटर टेबल है पानी ज़मीन के नीचे पानी की नहरें चल रही हैं उसके उसका जिक्र हो रहा है तो पानी की नहर का मतलब ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी एक नहर चल रही है साथ में दो तट हैं कोई बीच पे साइड में आके बैठ सकता है, नहीं वैसा कुछ नहीं है बट नीचे की जो सॉयल है उसके अंदर इतनी ज़्यादा नमी है कि वो पानी की तरह है तो जब कुआँ खोदा जाता है तो उस लेवल तक खोदा जाता है वहाँ पहुँचने के बाद उस पूरी गीली मिट्टी को बाहर निकाल के कई दिनों तक फेंका जाता है इतना कि नीचे कैविटी क्रिएट हो जाती है बहुत बड़ा खड्डा है ओपन स्पेस क्रिएट हो जाता है साइडों से पानी पूरा खिंच खिंच के उसमें भरना शुरू हो जाता है और वो उस लेवल से काफी ऊपर तक भरा जाता है इसके बाद जब सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं जब टैंक बनाया जाता है तो कुएं और टैंक को अलग कर दिया जाता है दिस इज समथिंग जो आप दिल्ली में देखेंगे आप पंजाब में हरियाणा में यूपी में देखेंगे राजस्थान में जैसे ही आप जयपुर से और आगे की तरफ जाते हैं तो टैंक ही कुआं है दोनों अलग अलग नहीं बनाए जाते अच्छा, हैं अलग अलग टैंक ही कुआं झालरा बनते हैं कुंड बनते हैं तो कुंड में वही कुआं है वही टैंक है लेकिन ज्यादातर केस में उसमें बारिश का पानी होता है कुछ केसेज जहाँ पे जमीन के नीचे से पानी आता है तो वो डिपेंड करता है कि ज्योग्राफी कैसी है वहां की रिक्वायरमेंट कैसी है अब जब सीढ़ियां बना दी उसमें पानी जो आ रहा है टैंक जो बना दिया इस टैंक में बारिश का पानी तो आ रहा है ये टैंक अभी मैं दिल्ली के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली हरियाणा यूपी के बेल्ट से कि ये जो टैंक है ये जमीन के नीचे तक नहीं जा रहा है कुआ गया हुआ है टैंक नहीं जा रहा है लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं जब ये कनेक्ट किए गए तो इनके बीच में एक विंडो बना दी गई है ताकि कुएं से पानी टैंक में आ सके और टैंक भी भर जाए तो टैंक में कपड़े धोने नहाने का काम हो सके लेकिन टैंक से जो पानी वापस कुएं में नहीं जा सकता उसके पीछे एक सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल काम करता है कि जो कुआं है उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है उसके आगे टैंक बहुत बड़ा बना दिया है सर्फेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ये एक फिजिक्स का प्रिंसिपल है जिसमें जो कम सरफेस एरिया वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा जहाँ सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा तो ज्यादा प्रेशर वाले से पानी इधर पुश हो जाता है इम्प्योरिटीज हैवी पार्टिकल्स वो वापस नहीं जा पाते नहीं। 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 तो जितनी गंदगी है वो वहीं पर सेटल हो जाती है वो तैर कर कुएँ में नहीं जा पाती तो कुएं का पानी पीने के लिए आपको साफ मिलता साफ है और जो टैंक का पानी है वहां पर आप बाकी के सारे काम कर सकते हो इसके अलावा एक काम और किया जाता है कि इसकी जो डायरेक्शन रखी जाती है दिल्ली में जितनी हैं दिल्ली में आपकी फिरोशा कोटला की बावली बड़ा हिंदू राव की बावली ये सर्कल और स्कीयर शेप में है तो इनको हम छोड़ देते हैं हालांकि कोटला फिरोशा के ऊपर छत बनी हुई थी हिंदू राव की बावली गहरी काफी है तो उस पर की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी इसके अलावा दो तीन और बाउलियों को छोड़ के ये दो ये सर्कल और स्केयर है बाकी सारी रेक्टेंगुलर हैं और रेक्टेंगुलर अंदर, जो डायरेक्शन है पर्टिकुलर डायरेक्शन रखी जाती है सीढ़ियां हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ आती ऐसा है ऐसा क्यों हम भारत जो है वो पृथ्वी पे नॉर्दर्न हेमस्फेयर में है हम इक्वेटर से ऊपर है सूरज बिल्कुल परपेंडिकुलर इक्वेटर पे होता है यानी कि दिल्ली की तरफ जब

ये बहुत ही साइंटिफिकली सोच करके अरे सर इतना ही नहीं जब आप देखना शुरू करोगे बावलियों को आप जाके गंदक की बाउली देखें या पुराने किले की बाउली देखें तो बावली में ना बिल्कुल सीधी नीचे तक दीवार नहीं बनाई जाती स्टेप्स बनाए जाते हैं बिल्कुल मैं इस पे आ रही थी कि स्टेप्स <laughs> क्यों बनते हैं एक तो सीढ़ियां उतरने के लिए है और जो साइड की दो लंबी दीवारें हैं वो भी अपने आप में स्टेप्स होती हैं वो भी सीधी सीधी नहीं बनाई जाती क्योंकि अगर आप सीधी बना दोगे साइड में बारिश पड़ रही है जमीन पर लोग चल रहे हैं जमीन में प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है क्रिएट कर रहा है वो जो दीवार है वो अंदर को गिर सकती है लेकिन पुराने किले की बावली में और गंधक की बावली में वो स्टेप्स नहीं बने हुए सिर्फ दो ही गंधक की बावली में दो बने हुए पुराने किले में तो वो भी नहीं है आप पुराने किले और गंधक दोनों जगह जाके साइड पर खड़े होकर देखिएगा दोनों की दीवार टेढ़ी हो चुकी है जैसे अंदर को गिर रही हो तो वो ए ने उसको जब रिस्टोर किया अंग्रेज़ों के टाइम पे ही हो गया था उन्होंने उसमें एनफोर्समेंट लगा के उसको वहीं होल्ड कर दिया अब वो उससे आगे गिरेगी नहीं तो जहां है वहीं रुकी हुई है पर वो टेढ़ी नजर आती है बावली एक ऐसा सब्जेक्ट है विक्रमजीत मुझे लगता है अमूमा लोगों के नज़रिए में आता ही नहीं होगा नज़रों में आता ही नहीं होगा कि अच्छा बावली की भी एग्जिस्टेंस है क्योंकि हम फोर्ट्स की बात करते हैं हम किलों की बात करते हैं हम मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं हम बाकी जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा ठीक है है नहीं है क्यों है क्यों है, है का भी सवाल नहीं आता क्या वजह है इसकी कि इतना इग्नोर्ड सब्जेक्ट ये बावली का क्यों रहा है क्योंकि अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स पढ़ोगे ना उन्होंने बहुत जगह बावलियों को डाइविंग वेल के नाम से लिखा है कि ऐसा कुआं जिसमें कूदा जा सकता है वो बाकियों को डाइविंग वेल नहीं लिख रहे बाउलियों को डाइविंग वेल लिख रहे हैं वो बावलियों को स्टेप वेल से ज्यादा डाइविंग वेल के तरीके से जानते हैं निजामुद्दीन बावली से लेके और कईयों की हमारे पास तस्वीरें हैं जिसमें बच्चे उनमें कूद रहे हैं अंग्रेजों ने खींची ही वही है और निजामुद्दीन बावली में तो खासकर निजामुद्दीन में भी गंदक बाउली में भी दोनों जगहों पर जो अंग्रेज टूरिस्ट आते थे वो एक एक सिक्का देते थे वहां के लोकल बच्चों को कूद के दिखाओ काफी हाइट से कूद रहा देम। तो जिस दौर में फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है तो वो इसी तरीके की चीजों से अपना मन बहलाते थे अब उनको ये लगता था कि जिस पानी में ये कूद रहे हैं वो पानी कैसे पी सकते हैं दूसरी बात अगर आप पुराने अंग्रेज रिकॉर्ड्स देखें तो आपको ये भी पता चलेगा कि भारत की जो उनकी पोस्टिंग होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उसको पनिशमेंट पोस्टिंग या डेथ पोस्टिंग भी कहा जाता था उसका रीज़न है कि जो भी अंग्रेज अफसर यहां आता था बहुत चांसेस हैं कि वो हैजे की बीमारी से या ऐसी किसी बीमारी से मरेगा ज्यादातर उसमें से वाटर वॉटरबॉन डिजीज होती थी अच्छा। उनको यहां का पानी सूट नहीं करता था और उनको यह लगता था कि ये जो इसमें कूद रहे हैं गंदा कर रहे हैं वही पी रहे हैं इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है तो जब उन उनके हाथ में थोड़ा कंट्रोल आया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम दिल्ली में पाइपलाइन बिछाएंगे ये ये पॉइंट है जहाँ से बाउलियों का डिक्लाइन शुरू होता है पाइपलाइन बिछाएंगे उसके लिए उन्होंने दिल्ली जहाँ से शुरू होती है उस समय की दिल्ली है शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली जैसे आप जानते हैं जी। उसके उधर की तरफ आगे नॉर्थ की तरफ जहाँ से जमुना आ रही है वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया यहाँ एक प्लांट लगाएंगे यमुना से पानी फेच करेंगे एंड उस समय तो यमुना साफ होती थी यमुना से पानी फेच करेंगे उसको प्योरीफाई करेंगे शहर में भेजेंगे पाइपलाइन के थ्रू और उसके बाद इस शहर से मिलो दूर ले जाकर वापस यमुना में डाल देंगे अच्छा। इस पर एक डिबेट हुई थी लंदन पार्लियामेंट में जिसमें यह कहा गया था कि आप ऐसा मत करिए क्योंकि आप आ, दिल्ली को लंदन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते लंदन में आप थेम्स में से पानी निकाल रहे हैं सर्कुलेट कर रहे हैं वापस में डाल रहे हैं कुछ मीलों के बाद जो है वो समंदर में मिल जाती है भारत में यमुना जाके गंगा में मिलेगी और ये गंगा कई सौ किलोमीटर तक समंदर में नहीं जाने वाली और कितने शहर आ रहे हैं इसके ऊपर तो एक अच्छा आइडिया नहीं है लेकिन उनको अपनी जान ज्यादा प्यारी थी कहते है, नहीं यही सही तरीका है तो आज भी चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट एग्जिस्ट करता है नॉर्थ दिल्ली के अंदर वहां पर उस इलाके में वो ओरिजिनल प्लांट लगाया गया था पाइपलाइन बिछाई गई थी पूरी दिल्ली में पानी सप्लाई किया गया था और उसके बाद उन्होंने दिल्ली से बहुत दूर जो जगह डिसाइड की जहाँ पर वो सारा दिल्ली का सीवेज और वो गंदा पानी आ रहा था उस जगह को हम कहते हैं कालिंदी कुंज आज भी आप कालिंदी कुंज देखेंगे अभी भी सिस्टम वैसा ही काम कर रहा है सिर्फ झाग मिलेगी आपको गंदा पानी मिलेगा क्योंकि दिल्ली का पूरा सीवेज आज भी कालिंदी कुंज के रास्ते यमुना में एंटर कर रहा है और उस समय शेर कहा गया था क्योंकि दिल्ली के लोगों को आदत नहीं थी वो पानी पीने की जिसमें पता नहीं या वो क्लोरीन मिला रहे थे कैसे उसको प्योरीफाई कर रहे थे तो दिल्ली के लोगों का पेट खराब हो गया हैजे की बीमारी जो अंग्रेजों को हो रही थी अब दिल्ली के दिल्ली वासियों को होने लग गई एक शेर कहा गया था क्योंकि उस टाइम पे एक और काम हुआ था टाइप इंट्रोड्यूस हो गए थे तो जब वो टाइप करके लिखा जाता था बहुत बारीक बारीक लिखा जाता था वो पढ़ने वालों को बहुत जोर लगाना पड़ता था तो शेर यूं था कि पानी पीना पड़ा है पाइप का हर्फ पढ़ना पड़ा है टाइप का पेट दुखता है 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 आंख आई शाह एडवर्ड की एक, एक नुस्खा निकाला था कि ये पुड़िया आप दही में या किसी चीज में घोल ले लीजिए तो ये जो बीमारी पानी से हो रही है ठीक हो जाएगी उसे हम दिल्ली का चाट मसाला कहते हैं

चार बाउलियों में से पानी इस्तेमाल हो रहा है लाल किले की बावली फिरोशा कोटला की बाउली पुराने किले की बावली और मटिया महल की बावली इसमें से पानी निकाल के बाकायदा वहाँ के सारे लॉन्स वगैरह में सर्कुलेट किया जा रहा है मुझे पता नहीं अरब सराय में ये हो रहा है कि नहीं बट बाकी जगह तो हो रहा है लेकिन जो बाकी की बाउलियाँ हैं उन्हें क्यों नहीं रिवाइव किया जा सकता एक जो बाउलियाँ हैं वो ए के अंडर है दूसरा भी सवाल मैं मैं सॉरी आपको बीच में में काट रही क्योंकि मॉडर्न के वाटर सर्कुलेशन सिस्टम साथ इसे जोड़ा मैं उसी पे आ रहा था कि अगर मुझे इसको में मुझे so, India, इसको पाइपलाइन लेके आना दिल्ली दिल्ली जल जल बोर्ड बोर्ड चाहिए सो सर्वे ऑफ इंडिया और थोड़े से कम है लेकिन मान लीजिए उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है है, जो इंडिया का एक्ट कि से पानी निकालेंगे कैसे पाइप डालेंगे, पाइप डालेंगे पाइप डालने के लिए या तो दीवार तोड़ के डालिए या था डी फेसमेंट आप दोनों केसेस में बाउली को खराब कर रहे हैं या उसके खराब कर रहे हैं या उसके स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं तो जब तक फिर वो एक्ट मॉडिफिकेशन इज नॉट इजी क्योंकि अगर एक्ट मॉडिफाई कर दिया कि यहाँ पे ये डाल सकते हो तो फिर तो स्काई इज द लिमिट फिर तो मैं लाल किला तोड़ के एक मल्टी स्टोरी भी बना सकता हूं तो ये इतना आसान नहीं है कहना आसान है तो एक चैलेंज ये है दूसरा चैलेंज ये है कि अगर मैं खाली बाउलियों को रिवाइव कर देता हूं खाली रिवाइव करने से कुछ नहीं होगा हमने गंदक की बाउली को किया हमने राजों की बाउली को क्लीन किया मैं पानी भर गया अब उस पानी पे काई जमी हुई है हालांकि हु काई उतनी बुरी नहीं होती है बट वो बुरी तब नहीं है अगर उसमें मछलियां भी हों

फिर वहीं पे पक्षी आना शुरू हो जाएंगे जो उन मछलियों को खाएंगे एक पूरा पूरा इकोसिस्टम बन सिस्टम जाएगा उसका जाएगा। जैसा हमारा की की जो तो जो लेक लेक है 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 उसमें बना हुआ है। की लेक में जो हरी पूरा पानी हरा है, वो हरा वो अच्छा है उसकी वजह से वहां पक्षी आ रहे हैं उसकी वजह से वहाँ बैट्स आ रहे हैं क्योंकि वो मछलियां और वो काई और वो पक्षी उनका पूरा एक चेन बना हुआ है फूड चेन बना हुआ है अच्छा विक्रमजीत आपने जब ये किताब लिखी होगी बावली के ऊपर आई एम श्योर बहुत सालों की रिसर्च क्योंकि आपको जानते हुए भी मुझे दस पंद्रह साल हो गए हैं और तब आपका ये कॉन्सेप्ट था कि एक किताब लिखेंगे क्योंकि आप हेरिटेज आप एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिल के बहुत करीब हमेशा से रहा है तो जब आपने रिसर्च करना शुरू किया और जब ये किताब आप लिख चुके थे पब्लिश हो चुके थी उसके बीच में कोई ऐसी चौंका देने वाली बात आपके लिए कि अच्छा बाउली का ये जो सिस्टम है इसमें ये वाला फैक्टर सबसे ज़्यादा अलग या जुदा था ये ये ऐसी कोई कहानी हो हो अब ऐसा बहुत कुछ हुआ शुरुआत में ही गया क्योंकि जब मेरे पब्लिशर ने मुझसे पूछा किताब मैंने कहा हाँ हाँ तो मुझे पहले काफी लोगों ने बोला था तुम तो ना दिल्ली के इमारत पे मोन्यूमेंट्स पे अगर मैं मोन्यूमेंट्स पे लिखूंगा तेरह सौ से ज्यादा हैं मैं नहीं कर पाऊंगा मैं एक सीरीज बना देता हूँ टॉप टेन टॉप टेन बाउली टॉप टेन फोर्ट्स टॉप टेन गेट टॉप टेन टॉप टेन ईजी है तो ये पहली आ गई टॉप टेन बाउलीज सिर्फ दस ही बां लिखनी पब्लिशर ने पूछा कब तक दे दोगे मैंने कहा कहानियां तो मुझे पचास की बाउलियाँ पचास तिरपन बाउलियाँ तिरपन तिरपन बाउलियां मुझे पता है नाम भी याद है लोकेशन भी पता है, है। दो तीन महीने में लिख दूंगा कितना टाइम लगेगा वो तीन महीने का मुझे करते करते पाँच साल लग गए उसका रीजन ये था कि कहानी आपको पता होना एक अलग बात है कहानी को वेरीफाई करना अलग बात है जब मैं ढूंढने गया तो पता चला कितनी कहानियां हैं जो सिर्फ जुबानों पे एग्जिस्ट करती हैं वो कहीं कागजात पे कभी दर्ज ही नहीं हुई तो अब वेरीफाई कैसे करोगे कोई और उनकी बात ही नहीं कर रहा लेकिन हाँ ढूंढा मुझे उर्दू सीखनी पड़ी क्योंकि पुरानी उर्दू की कुछ किताबें हैं जो कभी ट्रांसलेट ही नहीं हुई थी उनमें वो रिकॉर्ड्स थे उर्दू सीखने के बाद एक एक बहुत बड़ी नई दुनिया खुल गई मेरे लिए अब उसमें बहुत मज़ा आता है पढ़ने में उनकी किताबें पढ़ने में उर्दू की थोड़ी बहुत फारसी पे हाथ साफ किया क्योंकि कुछ दस्तावेज़ कुछ मुझे फरमान पुराने फारसी में मिले सो वो देखने शुरू किए उसके बाद जब मैंने वेरीफ़िकेशन के लिए स्टोरीज़ को जब मैं पढ़ना शुरू किया तो हर जगह नई नई चीज़ मिली और जो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने मुझे फैसिनेट किया वो तो यही कहानी थी जब मैंने उसकी डायरेक्शन क्योंकि मेरी किताब के अंदर एक

उसमें एक शख्स उन्होंने मेरी किताब उठाई और फिर मुझे फोन किया कि कि तुम भी यहीं घूम रहे रहे हो आ जाओ ये कोई भाई साहब तुम्हारी किताब काफ़ी देर से देख रहे हैं मैं गया उनसे बात बात की तो पता चला कि वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा सर मैं मुझे हर चीज का जवाब मिल गया दो जवाब नहीं मुझे अभी तक मिले हैं एक जो कुआं या बावली खोदते थे उन्हें ये पता कैसे चलता था यहीं खोदना पे खोदना है इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है कि यही खोदना है और मीठा पानी ही निकलेगा नीचे से खारा पानी या कुछ और भी निकल सकता है क्योंकि खारी बावली और गंदक की बावली में ऐसा हुआ है तो एक तो ये सवाल और दूसरा ये सवाल यमुना है यमुना का इतना बढ़िया पानी है और बगल में इतने कुएं और बावलियाँ मैं बनारस गया घाट के बगल में इतने कुएं बाउलियां तो गंगा जमुना के किनारे ही क्यों बाउलियां बन रही हैं सीधे वहीं से ले लो पानी तो उन्होंने मुझे ये बताया कह हमने जो अपने रिसर्च किया उसमें हमें ये पता चला है कि जो गंगा यमुना रिवर सिस्टम है इसमें एक तो ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है वो ब्लड में बहुत जल्दी होता है प्लस कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो डेली कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं है अच्छा नॉट एवरी ह्यूमन बॉडी कैन डाइजेस्ट इट इजिली कुछ लोग कर सकते हैं कुछ नहीं तो दिल्ली का हैजे की बात शायद उसी से सच होती है लेकिन जब जमीन के नीचे वो रेत से फिल्टर होके आ जाता है वो पानी तो वो आपके कंजम्पशन के लिए ठीक है अगर कोई आदमी मर रहा है उसके मुंह में आप गंगा डाल दीजिए बॉडी की डीकम्पोजिशन कुछ घंटों के लिए डिले हो जाएगी क्योंकि बॉडी को एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाएगी जी। ऐसा कहते हमें रिसर्च से पता हुँ। चला हुँ। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई कि गंगा यमुना रिवर सिस्टम के अंदर ये एक खास चीज है जिसकी वजह से पास पास कुएं बाउलियां बनाए गए ताकि आप इससे पानी अच्छे से कंज्यूम कर सके। हमेशा ऐसा होता है विक्रम जी जब आपसे बात होती है तो कई ऐसे फैक्ट्स या ऐसा डेटा मेरे सामने आता है जो कि बहुत ही अपीलिंग होता है बहुत ही फैसिनेटिंग होता है मेरे लिए और आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के लिए भी इस बार ये जो एपिसोड है क्योंकि बाउली बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट को मैंने भी चूज़ किया अपने व्यूअर्स के लिए कि उनको भी पता होना चाहिए या उनके सामने भी एस्पेक्ट आना चाहिए कि क्या था ये कॉन्सेप्ट और अभी तक अगर कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट रोल तो रहा होगा हिस्ट्री में उसका अच्छा इससे मेरा अगला सवाल ये है विक्रमजीत कि दिल्ली में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बाउली

उसकी लोकेशन तो हम आइडेंटिफाई कर ही ली थी एस ने काफी पहले आ, योगमाया माता के मंदिर के मंदिर पीछे की तरफ वो एग्जिस्ट करता है जी। लाल कोट महरौली में जी। में जी। उसके बाद अगर मैं टिपिकल बावली की बात करूं जिसमें हम वही सीढ़ियां कुआं उस आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो गंदक की बावली सबसे पुरानी है वो भी उसी इलाके में है मेहरौली में ही है और दिल्ली की जो आखिरी बावली बनी वो गंदक की बावली के बिल्कुल बगल में ख्वाजा कुतुब साहब की दरगाह के अंदर है वो अंग्रेजों के दौर में बनी है तो मुगल बादशाह थे लेकिन अंग्रेज पूरी तरह से टेक ओवर कर चुके थे आ, तो उस जमाने की वो बावली बावली है सो so, सबसे बड़ी बावली की अगर मैं बात करूं तो हम, हमने जब अपनी किताब के लिए सोचना शुरू किया कि वो कौन सी दस बावलियां होंगी पचास में से दस डिसाइड कैसे करें तो मैंने कहा कि डेटा का सहारा लेते हैं तो मैंने स्टेटिस्टिक्स वाला एक वो बना लिया चार्ट उसमें उनका एरिया वॉल्यूम वो सब डाल डाल के तो सबसे बड़ी जो एरिया वाइज है वो आई फिरोशा कोटला की बावली बट उसका रीज़न ये है कि वो सर्कुलर है तो वॉल्यूम इतना ज़्यादा उसका सर्कल और डायमीटर बहुत बड़ा होने की वजह हो से सबसे बड़ी बाउली वो निकल के आती है सबसे गहरी बाउली की बात करूं तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेप्थ किसी की भी सही तरह से नापी नहीं गई है अंग्रेज़ों ने डेप्थ नापी थी लेकिन जब अंग्रेज़ों ने नापी थी उस टाइम पे हम सबसे नीचे वाले फ्लोर्स में कई बाउली तक पहुंचे ही नहीं थे राजों की बावली का एक फ्लोर उसके बाद हमें पता चला है गंदक की बाउली में और तब पानी भरा गंदक में भी पानी भरा हुआ था और अगरसैन की बावली में भी पानी भरा हुआ था बट वैसे अगर मैं स्टेप्स उतरने की कोशिश करूँ तो मुझे अग्रसेन की बावली और गंदक की बाउली दोनों काफ़ी गहरी मिली है सौ से ऊपर स्टेप्स हैं दोनों के तो ये गहरी हैं दिल्ली के जी। आ, सबसे पुराना, मैं अब भारत आ, बात विक्रम जी सबसे पुराना वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या रहा है वाटर हार्वेस्टिंग में अगर मैं बात करूँ तो इंडस वैली के टाइम पे हमारे पास है वाटर हार्वेस्टिंग के वाटर रिचार्ज पिट की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में एग्जिस्ट अच्छा। करता है और वो सिर्फ भारत ही नहीं मेरे हिसाब से वो शायद साउथ एशिया का पुराना रहा होगा यमुना के बिल्कुल किनारे 500 साल पहले हुमायूं का मकबरा जब बनाया गया था तो पूरे गार्डन में टेराकोटा के पाइप्स बिछा दिए गए थे जिससे वो सारा का सारा पानी एक जगह पर इकट्ठा होता है एक कुएं के अंदर जाता है और वाटर को फिर से जमीन के नीचे के वाटर टेबल को फिर से रिचार्ज करता है तो जब बारिश पड़ती है या घास को पेड़ पौधों को पानी दिया जाता है एक्सेस वाटर जो है वो इसमें इकट्ठा हो जाता है वो हमारे पास सबसे पुराना वाटर रिचार्ज पेट है हार्वेस्टिंग में तो बारिश का पानी जब आप इकट्ठा वो यही बाउली ही है, तो है, है अच्छा, देखिए बाउली अगर जमीन के नीचे से मैं पानी फेच कर रहा हूँ तब मैं उसको बाउली बोलता हूँ नहीं तो वो एक टैंक है तो अगेन ये जो डेफिनेशन है इसके ऊपर डिबेट हो सकती है क्योंकि कोई इसको किसी तरीके से कोई कहेगा नहीं जी मैं तो इसको भी बाउली मानना चाहता हूँ ठीक है हुँ, क्योंकि कोई रिटर्न डेफिनेशन एस सच वो नहीं है नॉर्मली लोग जो है वो अपनी अपनी भाषा में कभी किसी को बावली बोलते किसी को वाव बोलते किसी को नहीं बोलते बट हाँ ग्रेट बात में जो हमें समझ में आया अभी तक बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था क्योंकि बगल में कुएं भी मिले हैं लेकिन ज़मीन के नीचे वाले केसेस भी बहुत एग्जिस्ट करते हैं सो टिपिकल ग्रेट बाथ वर्ड जब हम यूज करते हैं महिंजो दाड़ो के आ, उस बात की बात करते हैं वहाँ पर जो बड़ा सा टैंक है, है। जिसका जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत हूँ कि वो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होता था अच्छा उसी बारिश के पानी को यूज किया, किया जाता था